हे एवरीवन, वेलकम ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित स्वल। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके थे, मैं और भाभी बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए थे रेडी होते होते, और ऐसा था ना कि एक भी पिक वगैरह कुछ नहीं क्लिक किया, बट यहाँ जब गए हम लोग तो सबको प्रणाम किया। उसके बाद से लड्डू के पापा बोल रहे थे बैठ जाओ या बैठ जाओ, तो मैं बैठ गई। फिर मैं भाभी को बुलाई कि आप भी आ जाओ, और वैसे चेयर था भी नहीं उधर, मतलब फ्रंट में एकदम पीछे पीछे खाली था क्योंकि हम लोग लेट पहुँचे। तो भाभी भी आके बैठी, फिर मैंने निशा को बोला निशा तुम भी बैठ जाओ, वो भी अकेली उधर वो साइड में बैठी थी। तो यहाँ मैं और भाभी कुछ कुछ बात कर रहे थे, फिर निशा को बुलाया, फिर हम लोग सब लोग स्टेज पे बैठे। लड्डू मस्ती कर रहा था बहुत ज़्यादा खाने पीने के लिए, और लड्डू भी बैठ गया था अपने मामा के पास थोड़ी देर के बाद, बहुत ज़्यादा वो घूमा, उसके बाद उसको बैठा दिया गया भैया के पास, तो वो वहीं पर टिक के बैठ गया। यहाँ पे सारे जो भी गेस्ट आए हुए थे, लकी इधर दिख रही थी, गेस्ट जितने आए हुए थे सब यहाँ पे, और लड्डू बैठ गया था अपना टोपी, पुराना बिछड़ा हुआ टोपी कल इसको मिल गया, उल्टा टोपी लगा करके बैठ गया था। और प्रिंस का सारा हो गया था रसम पूजा वाला, एंड जो जो चीज़ें मिली वो आपको दिखी होंगी पिछले व्लॉग में भी कि क्या क्या मिला। बस इस व्लॉग में जो ब्राइड है उसकी एंट्री हुई, एंड यहाँ पे मैंने व्लॉग कुछ भी प्रॉपर से मैंने नहीं शूट किया, सब इधर उधर से शूट हुआ था। तो आई होप कि आप लोग उसको मैनेज करेंगे, एंड वॉइस ओवर कम ही दूंगी बिकॉज ये सारे रिचुअल देखने वाले हैं। यहाँ पे पूजा पाठ हुआ था, क्योंकि वॉइस ओवर में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई इशू नहीं है। मैं इसमें म्यूज़िक लगा देती हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिएगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ वॉइस ओवर दे दूँगी मैं। हमारे यहाँ पे होता है ये चुमावन, जैसे ही अक्षत वगैरह मरा जाता है उसके बाद होता है चुमावन। सब लोग शूट कर रहे थे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, फिर मैं इधर बैठ गई थी क्योंकि मेरा कुछ श्योर नहीं था कि करूँगी कि नहीं। मैं वैसे नहीं चूमने वाली थी क्योंकि मुझे याद है कि ऐसे मतलब बोलते हैं नहीं करना चाहिए, लेकिन सब ने बोला कि 8 मंथ में नहीं करो, वैसे तो कर सकते हो, भाई की सगाई ये कोई बात नहीं है ये वो। तो प्रिंस को यहाँ पे लास्ट में मैं भी चूम रही थी। यहाँ मेरी मौसी हैं ये, और पीछे जो ग्रीन साड़ी में वो मेरी सबसे छोटी बुआ है, उनसे बड़ी एक और बुआ है, उनसे बड़ी जो बुआ ये चूम रही हैं वो वाली बुआ है, एंड ये जो मेरे पीछे स्काई ब्लू में वो इंजीनियर बोलते हैं लोग, इंजीनियर बुआ है, तो इनके हस्बैंड एक्चुअली इंजीनियर है, तो इनको भी हम लोग वही बोलते हैं। तो यहाँ पे सब लोग एक एक करके अपना आशीर्वाद दे रहा था, और रिंग से चूमते हैं इसको, रिंग और अक्षत जो होता है उससे चूमते हैं। यहाँ मैं बैठ गई थी आराम से, और सब लोग गीत गा रहे थे, वो गीत भी हम लोग इन्जॉय कर रहे थे कि भाई गाइए। ये मेरी मौसी है, यानी मेरी आंटी की बहन है, छोटी वाली बहन, तो सब लोग एक एक करके आ रहे थे, अपना अपना आशीर्वाद दे रहे थे, एंड खूब सारी ब्लेसिंग्स दिए। उसके बाद से जैसे ही प्रिंस का ये टर्न ख़त्म हुआ तो एंट्री हुई ब्राइड की। यहाँ पे हैं भाभी की मम्मी, यानी मेरी भाभी की मम्मी, मनीषा भाभी की मम्मी, उन्होंने भी चूमा। सबसे ज़्यादा इन्होंने ही गाना वाना गाया था। कितना सस्ते हो रहा है आपका? 5 लाख? नहीं नहीं 15,000। 5 लाख आपका? इनका 4,000। इधर भाभी का चल रहा है, सही है। मनीषा फोटो चल जाए, ठीक है भैया, ऐसा उड़ावा कि आकाश में चल जाए।
आ रहा है गैस। Thank you.
सो गाइस यहाँ पे हो चुकी थी ब्राइड की एंट्री। तो यहाँ पे मैंने फेस नहीं रिवील किया है, वो आप लोग को रीज़न पता चल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो आई होप आप लोग मैनेज करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग एंड गाइज कीप शेयरिंग।